चैनल और आज हम बनाने वाले हैं मारीगोल बिस्किट टावर। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए 2 टीस्पून कोको पाउडर, 2 टीस्पून मेल्टेड बटर, 2 टीस्पून शुगर पाउडर, 1 टीस्पून कॉफी पाउडर। इतने बड़े बिस्किट आपको आपको जितने बड़े टावर बनाना है उतना बिस्किट लीजिए। चलिए हम ये 3 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे कोको पाउडर, और सेकंड हम लेंगे शुगर पाउडर, और थर्ड हम लेंगे कॉफी मेल्टेड बटर। तो चलिए इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं और अभी हम इनको साइड में रख देंगे। और अभी हम लेंगे मारी गोल्ड बिस्किट और ये वन टीस्पून कॉफ़ी, उसमें 1 स्पून वाटर डालेंगे और डालना है, और अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अगर और लगा पानी तो हम डाल देंगे। देखिए अभी हम इसको ये पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉफ़ी पाउडर में डिप करेंगे। चलिए अभी ये मारीगोल्ड बिस्किट को इस कॉफ़ी पाउडर में डिप करते हैं। ये डिप हो चुका है, अभी हम इसको ऐसे रख देंगे। इसको ज़्यादा भी डिप नहीं करना है, नहीं तो ये सॉगी हो जाएगा। अब इसको इधर रख देते हैं। फिर हम ये क्रीम को इसके ऊपर, इस चॉकलेट क्रीम को हम इसके ऊपर ये लगा देंगे। और अभी हम ये चॉकलेट को इस बिस्किट पे स्प्रेड कर देंगे। चलिए लेते हैं, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्टार्ट। और अभी हम सेकंड बिस्किट लेंगे और इसमें डिप कर देंगे और अभी इसमें इस पे रख देंगे। चलिए अभी हम इस पे चॉकलेट क्रीम डालते हैं। और अभी हम इसको और इस तरह हमको पूरे बिस्किट पे स्प्रेड कर दिया है। ये अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। और अभी हमने इतना बड़ा टावर बना लिया है और अभी हम यहाँ से क्रीम को ये कर स्प्रेड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने पूरे बिस्किट को कवर कर लिया चॉकलेट क्रीम से और अभी हम डेसिनेटेड कोकोनट पाउडर में स्टार्ट। तो अभी हमने चॉकलेट क्रीम से पूरा कवर कर लिया और अभी हम डेसिनेटेड कोकोनट पाउडर में स्टार्ट। और हमने ये बिस्किट को पूरा कवर कर लिया और अभी हम डेसिकेटेड कोकोनट में कोट कर लेंगे। तो चलिए कोट करते हैं। अब इसको इसमें ऐसा रख देंगे। और अभी हमने इसको पूरा कोट कर दिया और अभी हम इसको डीप फ्रीज में रखेंगे। और अभी हमने बिस्किट को पूरा कट कर लिया, अभी हमने कोकोनट पाउडर में पूरा कोट कर लिया और अभी हम इसको 15-20 मिनट्स में फ्रीज में रख देंगे। इसको 15-20 मिनट्स के लिए फ्रीज में रख देंगे। स्टार्ट। अब हम ये बिस्किट को 15-20 मिनट्स के लिए फ्रीज में रख देंगे।